नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड प्लस नेटवर्क्स, दो शब्दों से बनके बना है इंटरनेट। इंटरनेट ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके जरिए आप नवीनतम लेटेस्ट वित्तीय समाचार पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग लेटेस्ट न्यूज एटीसी हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेंगे? इंटरनेट के लिए हमें तीन आवश्यकताएं होती हैं। पहला है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है मोडम मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर, तीसरा है कंप्यूटर स्मार्टफोन्स या डिवाइस ISP जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता हो। आमतौर पर ISP द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजेक्शन, डोमेन नेम पंजीकरण, यूजनेट सेवा और कोलोकेशन शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोडम, जो हम इंटरनेट सेवा यूज ले रहे हैं कंप्यूटर में चलाने के लिए डिजिटल सिग्नल चाहिए और पीछे जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें चाहिए मोडम। मोडम के बाद में आता है कंप्यूटर डिवाइस या स्मार्टफोन्स। कंप्यूटर जो हम रोज़मर्रा में यूज लेते हैं, डिवाइसेस गाड़ियों में होती हैं, स्मार्टफोन्स हम सभी यूज लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट वीएस इंटरनेट, यानी इंटरनेट इंटरनेट में डिफरेंस। इंटरनेट ग्लोबल कनेक्शन है, इंटरनेट को पूरे विश्व में यूज ले सकते हैं। विश्व में छोटे छोटे घटक जुड़ के इंटरनेट का निर्माण हुआ है, जैसे आकाश में बादलों के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, सभी मिलके एक इंटरनेट का रूप है। इंटरनेट प्राइवेट पर्सनल होता है, जैसे किसी कंपनी का निजी जो कनेक्शन होता है, निजी डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है इंटरनेट। जैसे बैंकों का जो कनेक्शन होता है अपनी शाखाओं में वो होता है इंटरनेट, उनको ओनली बैंक वाले एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे रिलायंस कंपनी, कई कंपनियां हैं जो अपना खुद का पर्सनल कनेक्शन है, जो मेन ऑफिस से सब ऑफिस या ब्रांच में यूज लेते हैं। इस प्रकार इंटरनेट अधिक व्यापक एक बड़ी आबादी में फैला है, सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत से उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इंटरनेट का एक अधिक सुरक्षित और निजी कृत संस्करण है। पूर्ण रूप से एक संगठन में आंतरिक संचार के उद्देश्य से बनाया गया इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखता है और जिसे संपूर्ण वर्ष 2400 घंटे त्वरित डेटा एक्सचेंज संभव हो पाता है। इस प्रकार इंटरनेट इंटरनेट में डिफरेंस है। अब हमें इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल हो उसमें ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र को दो भागों में बांटा गया है, वेब ब्राउज़र, उसे ऑनलाइन ब्राउज़र भी कहते हैं, दूसरा है ऑफलाइन ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो एक्सप्लोर होता है IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इस प्रकार बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो ऑनलाइन ब्राउजर्स कहलाते हैं। ऑफलाइन ब्राउजर्स जैसे आउटलुक, एक्सप्रेस, नेटस्केप। ऑफलाइन ब्राउजर एवं ऑनलाइन ब्राउजर, ऑनलाइन ब्राउजर यदि नेट चलेगा तो ही वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ऑफलाइन ब्राउजर्स में ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, इनकी सेटिंग होती है। इसके बाद में जैसे आउटलुक एक्सप्रेस, आपको किसी को मेल भेजना है या आपने 2 दिन पहले मेल भेजी है, 1 घंटे पहले नेट चल रहा था और आपके पास कोई मेल आई है तो आप उस मेल को पढ़ सकते हो। आपको किसी को मेल भेजनी है, मेल भेज के छोड़ दो, जब भी नेट चलेगा ऑटोमेटिक मेल चली जाएगी,
ये वर्क करते हैं ऑफलाइन ब्राउजर्स। ऑनलाइन ब्राउजर्स प्रेजेंट में भी नेट होगा तो ही वर्क करेगा या वर्क नहीं करेगा। जब हम ब्राउजर्स को ओपन करते हैं ऑनलाइन ब्राउजर्स को, तो ऊपर एड्रेस बार की स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें हम डालते हैं जैसे www.google.com या www.yahoo.com या www.ssitjaipur.com। इस प्रकार कोई सी भी हम वेबसाइट उसमें टाइप करते हैं तो https या http ऑटोमेटिक आ जाता है। अनसिक्योर वेबसाइट हो तो http आएगा और सिक्योर वेबसाइट है तो https आएगा। जहां हम टाइप करते हैं कंप्लीट को बोलते हैं हम एड्रेस बार। https से लेके कॉम तक जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम url, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। http की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आगे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम सर्वर नेम। www.ssitjaipur.com यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम वेबसाइट। लास्ट में वेबसाइट की पहचान होती है, कॉमर्शियल वेबसाइट है या एजुकेशनल है या गवर्नमेंट वेबसाइट है। जैसे .com ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये इसका डोमेन कोड होता है, इसको टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन का यूज हम डेटा सर्च करने के लिए उपयोग करते हैं। सर्च इंजन में जो टॉप भारत का सर्च इंजन है वो है गूगल। यूएसए की बात करते हैं हम तो वो होता है अमेज़न। इसके अलावा रेडिप है, याहू है, अल्टा विस्टा है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। सर्च इंजन्स एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च इंजन सर्च रिजल्ट वो सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी कहा जाता है। सूचना वेब पेज छवियों और अन्य किसी तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकती है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरी से भी डेटा माइन करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है, जैसे वेब कॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। इस टाइप से सर्च इंजन्स काम करते हैं। सर्च इंजन्स में जो हमारा टॉप सर्च इंजन है वो है गूगल। जैसे गूगल ओपन किया और हम कुछ भी सर्च कर, जैसे एजुकेशन संबंधित या पिक्चर्स या मैप या और भी डेटा, रिजल्ट, etc, जो भी सर्च करना चाहते हैं हम सर्च इंजन से आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डोमेन कोड, जिसे हम टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। जैसे वेबसाइट किस टाइप की बनी हुई है, कॉमर्शियल वेबसाइट है तो .com लगाते हैं, कॉमर्शियल इंडिया वेबसाइट है तो .co.in, मीन्स ये इंडिया में बनी हुई वेबसाइट है। कॉम पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के हिसाब से वेबसाइट है। ORG ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, EDU एजुकेशनल वेबसाइट, GOV.in गवर्नमेंट इंडिया वेबसाइट, ऐसे ही NIC.in नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर वेबसाइट, यानी सेंटर की वेबसाइट। ऐसे हम वेबसाइट की पहचान करते हैं डोमेन कोड के द्वारा। अब हम बात करते हैं ईमेल, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। एग्जाम्पल जैसे rsiit@vomi.ac.in, vomi.ac.in ये वेबसाइट का पार्ट है। जैसे वेबसाइट है www.vomou.ac.in, इससे www हट जाएगा और उसकी जगह @ आ जाएगा। और उसके आगे जिस नाम से हम मेल आईडी बनाना चाहते हैं वो मेल आईडी का नाम लिख देंगे, यानी व्यक्ति का नाम और सर्वर का पाथ या सर्वर नेम आ जाता है इसमें। जैसे हम स्कूल में या मैसेज में मैसेज भेजते हैं या स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे स्कूल में कोई एप्लीकेशन होती है, सबसे पहले हेडर यानी किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर आता सब्जेक्ट किस कारण से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर आते सिग्नेचर यानी प्रार्थी। इसी प्रकार मैसेज में सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट नंबर यानी जिसको हम मैसेज भेजेंगे उसका एड्रेस, फिर आता है सब्जेक्ट हम क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, फिर जैसे हम सेंड करते हैं
तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जाते हैं, उसे बोलते हैं हम सिग्नेचर यानी ऑथराइज पर्सन की डिटेल। इसी प्रकार ईमेल में भी होता है हेडर। हेडर में तीन भाग होते हैं, टू सीसी बीसीसी। टू किसको हम मेल कर रहे हैं, उसी मेल को किसी और को भी करना है तो हम सीसी में कॉपी कर सकते हैं, जैसे सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। और हम चाहते हैं टू में सीसी में किसी को मेल कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को मेल करना चाहते हैं तो टू और सीसी वाले को नहीं दिखाई दे किसको मेल किया है, तो उसके लिए हम लेते हैं बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में जो मेल आईडी हम टाइप करते हैं वो मेल आईडी टू और सीसी वाले को नहीं दिखती है, बीसीसी वाले को सभी की मेल आईडी दिखाई देती है। इस प्रकार हम हेडर को यूज लेते हैं। फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या भेजना चाह रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं। उसके नीचे फिर एक पेज टाइप में दिखाई देता है, और भी हमें मैटर लिखना है वो डिटेल लिख के, अपना नाम डिटेल लिख के, कोई फाइल अटैच करनी हो तो एक नीचे अटैच का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके हम फाइल अटैच कर सकते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे हम ईमेल में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारी मेल आईडी साथ में जाएगी, वो हो गए हमारे सिग्नेचर। इस टाइप से ईमेल वर्क करती है। अब हम बात करते हैं जीमेल की। जीमेल आईडी जैसे हम ओपन करेंगे तो हमें दिखाई देगा कंपोज, इनबॉक्स, इम्पोर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, ट्रेस, चैट, इटीसी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोज। कंपोज का मतलब होता है न्यू मेल बनाना और उसको भेजना। कईयों में न्यू भी लिखा होता है, कईयों में राइट मेल भी होता है, तो उस हिसाब से हम उस पर क्लिक करके न्यू मेल बना के जो भी जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी लिख के, क्या सब्जेक्ट डालना है सब्जेक्ट डाल के, नीचे डिटेल डाल के, कोई फाइल अटैच करनी हो तो फाइल अटैच करके और सेंड करके हम भेज सकते हैं। यानी ईमेल और मैसेज प्रोसेस सेम है। मैसेज में कुछ लिमिट होती है, जैसे 160 कैरेक्टर तक हम मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल में आप अनलिमिटेड मैसेज बना के भेज सकते हो, मीन्स बहुत सारा मैसेज बना के भेज सकते हो। इसके अलावा इनबॉक्स, इनबॉक्स में जो भी मेल आएगी आपके पास या किसी ने आपको मेल किया है वो आप मेल इनबॉक्स में चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ थ्रोट मेल भी होती हैं, यानी फेक मेल भी होती हैं, यदि उसको हमें देखना हो तो स्पैम में जाके, इसी के नीचे स्पैम आएगा, स्पैम में जाके देख सकते हो। या कोई मेल आपको लग रही है फेक है तो उसको मेल को हम स्पैम में कर सकते हैं, सेलेक्ट करके सेंड टू स्पैम। इसके अलावा हमने किसी को मेल भेजी है वो चेक करना हो तो अपन सेंड में जाके वो चेक कर सकते हैं, किसको मेल भेजी है, कब मेल गई है, वो सारी डिटेल शो कर देगा। इसके बाद यदि हम कोई मेल भेजना नहीं चाहते हैं, अपने मेल कंपोज कर लिए हैं, कंप्लीट तैयार हैं, तो उसको वहाँ से कैंसिल कर दो, वो मेल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। जब भी आपको भेजना है ड्राफ्ट पे क्लिक करके और उसी मेल पे क्लिक करके और सेंड कर दो, सेंड हो जाएगी। इसके अलावा हम इससे चैट भी कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन होता है, उस पर जाके व्यक्ति जो डिटेल हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे और उसके आगे ग्रीन बिंदु टाइप का दिखाई देगा, इसका मतलब वो ऑनलाइन है, यानी ईमेल आईडी ओपन कर रखी है या ऑनलाइन है, आप उनसे चैट कर सकते हो, मैसेज चैट भी कर सकते हो और वीडियो चैट भी कर सकते हो। इसके अलावा हम कोई भी मेल डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद में वो ट्रेस में जाती है, आप चाहते हो परमानेंट मेल डिलीट हो तो ट्रेस में जाके उसको डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जो आप इनबॉक्स से या सेंड बॉक्स से डिलीट करते हो तो आपको ट्रेस में मिल सकती है। इस प्रकार हम ईमेल आईडी को यूज लेते हैं। इसी प्रकार हमें ईमेल आईडी बनाना हो तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे आपको जीमेल आईडी बनाना है तो आप ब्राउजर्स पे जाके gmail.com टाइप करो, एंटर कर दो, उसके बाद में राइट साइड में क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे क्लिक कर दो, अकाउंट क्रिएट का, उसको क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म प्रॉपर डिटेल भर दो, जो ईमेल आईडी होती है जो आप टाइप कर रहे हो जरूरी नहीं वो किसी की ऑलरेडी हो सकती है, ऐसी कंडीशन में आप न्यूमेरिक की डाल दो
यहाँ वो नीचे डिटेल देता है कि आप ये ईमेल आईडी बना सकते हो, तो वो सिलेक्ट कर लो। पासवर्ड एट करेक्टर में हो, और यदि स्पेशल करेक्टर हो तो ज़्यादा बढ़िया है सेफ्टी के हिसाब से। और आगे नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट के बाद में आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर इंडिया सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर टाइप कर दो। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में आपसे वेरीफाई कोड आएगा, वेरीफाई कोड उसमें टाइप कर दो, जो मोबाइल नंबर डालोगे उसी में वेरीफाई कोड आएगा, टाइप कर दो। उस समय उसके बाद में एक एग्री पेज भी ओपन होता है, जिसको पेज को आप जैसे लिस्ट को नीचे खींचोगे तो आई एग्री का ऑप्शन आ जाएगा, आई एग्री पे क्लिक कर दो। इस प्रकार हमारी ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स भी हैं, जैसे राज्य पोर्टल राजस्थान सरकार की वेबसाइट भी है, जैसे www.rajasthangov.in। राज्य सरकार की ये मुख्य वेबसाइटें हैं जिसमें प्रमुख विभागों और संबंधित अनुभागों के लिंक हैं। इसके अलावा आवेदन भरने के लिए RPSC वेबसाइट भी है, rpsc.rajasthan.gov.in। आवेदन भरने हेतु लिंक rpsc.rajasthan.gov.in अप्लाई ऑनलाइन। राजस्थान RTE पोर्टल भी है, rte.raj.nic.in/home/private-school-portal.asps। इस टाइप से कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम देख सकते हैं। RTE वेबसाइट स्कूल से संबंधित होती है, न्यू एडमिशन होता है या छोटे बच्चों के जो एडमिशन होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं जिसके द्वारा बच्चे को प्रवेश मिलता है, और कोई फीस नहीं होती, उसकी फीस गवर्नमेंट वहन करती है। इस प्रकार ये अपना फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इंटरनेट का परिचय है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा आप में से यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल कैसे चेक करेंगे हम सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप जैसे वीडियो के राइट साइड में बॉटम साइड में देखोगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। यदि रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि ब्राउन कलर में हो गया सॉरी ग्रे कलर में बटन हो गया है तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब लिखा हो जाता है, सब्सक्राइब हो रहा है तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद में आपको उसी के बराबर में बेल का ऑप्शन दिखाई देता है, ऑप्शन जैसे क्लिक करते बेल पे तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑल का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे जो भी न्यू वीडियो जाएंगे एजुकेशन संबंधित वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।